सो आगे कर करके चंदा वसूला गया हो, 1000 करोड़, 600 करोड़, 400 करोड़। ये बीजेपी के लोग बहुत प्रचार कर रहे थे वैक्सीन का, सुनने में आ रहा है वैक्सीन वाले से भी इन्होंने चंदा वसूल लिया, सोचिए आप। तो जहां इलेक्ट्रोल बॉन्ड से चंदा वसूला है उसकी वजह से भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ी है, मुनाफा जो कमाने को मौका दे रहे हैं उससे महंगाई बढ़ी है। और इधर खबरें आ रही हैं और जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं और जो जगह जगह सर्वे हुए हैं, महत्वपूर्ण संस्थाओं ने जो सर्वे किए हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई। 80 और 90% पढ़ने लिखने वाला नौजवान बेरोजगार है। मुझे याद है कन्नौज का ब्रजेश पाल, जिसने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करने से पहले उसने कहा कि मैंने इतनी पढ़ाई की, मेहनत की और डिग्री हासिल की। उसने अपनी डिग्रियां चला दी और कहा कि जिस डिग्री से मुझे नौकरी नहीं मिल सकती उस डिग्री का क्या फायदा, उसने आत्महत्या कर ली। जो लोग विश्व गुरु बनाना चाहते हैं उनकी सरकारों में किसानों ने 1 लाख आत्महत्या की है। दिल्ली की सरकार जब से आई है 2014 से और अभी तक का अगर आप आंकड़ा देखेंगे NCRB का, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की। ये वही लोग हैं जो किसानों के लिए काले कानून ला रहे थे, अंतोगत्वा इन्हें कानून वापस लेने पड़े, हजारों किसान उसमें शहीद हो गए। किसान ये बात नहीं भूला है और किसान ये बात भी नहीं भूला है कि उसकी आय दोगुनी का वादा किया था। आज किसान की किसी फसल की आय दोगुनी नहीं है, फसल तैयार है, सरकार क्या रेट दिलवा पा रही है? कहने को तो इन्होंने भारत रत्न दिया है चौरी चंद सिंह जी को, स्वामीनाथन जी को, लेकिन क्या किसानों को, जिनके लिए जीवन भर चौरी चंद सिंह जी ने संघर्ष किया और स्वामीनाथन जी कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाई जिससे किसानों को लाभ मिलता, क्या ये सरकारी या कानूनी अधिकार दे पा रहे हैं किसानों को MSP के लिए? ये बड़े सवाल हैं। और इनकी सरकार में तो हर परीक्षा लीक हो रही है, अभी तक 10 परीक्षाएं वो लीक हो गई हैं, जानबूझ करके इन्होंने नौजवानों से नौकरी छीनी है। ये नौकरी नहीं छीन रहे हैं, ये आरक्षण नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी तो आरक्षण देना पड़ेगा। ये आरक्षण नहीं देना चाहते इसलिए नौकरी के जानबूझ करके पेपर लीक करा रहे हैं। और अग्निवीर जैसी व्यवस्था को कभी समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जो 4 साल की आधी अधूरी नौकरी है, आने वाले समय में हो सकता है ये खाकी वालों की भी 4 साल या 3 साल की नौकरी कर दें, तो सोचो इनका भविष्य क्या होगा। इसलिए सोच रहे हैं नौजवान और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहे हैं। मैंने कई बार फार्मूला बताया, फिर बताता हूं कि 60 लाख बच्चे जो प्रभावित हुए हैं परीक्षा लीक से, उनके केवल माँ बाप को अगर हम जोड़ दें, एक परिवार में अगर 3 सदस्य 3 वोटर हैं उनका हिसाब किताब अगर हम लगा लें तो 3 × 60 लाख 1 करोड़ 80 लाख। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम 80 लोकसभाओं में भाग दे दें तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट केवल पेपर लीक से नौजवानों का भविष्य डुबा करके कम हो गया है। तो ये सरकार कहाँ बचेगी? जो लोग 400 पार की बात कर रहे हैं वो हारने जा रहे हैं, अपनी हार छिपाने के लिए 400 पार कह रहे हैं। और अगर 400 पार ही कर रहे होते तो क्या झूठे मुकदमे लगा करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेजना पड़ता? झूठे मुकदमे लगा करके, साजिश करके, षड्यंत्र कर करके झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया? जिन्हें 400 पार का सपना दिखाई दे रहा है क्या उन्हें जेल भेजना पड़ता? इनकम टैक्स, ED, CBI को आगे करना पड़ता? प्रशासन को आगे करना पड़ता? जनता इस बार इंतजार कर रही है इनका, और इनका जवाब अपने वोट के माध्यम से देंगे। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। किसका है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये ताली थाली और घंटी बजाने वाले लोग, गारंटी की जो घंटी बजा रहे हैं, ये गारंटी नहीं है, ताली थाली वाली आवाज है ये जो गारंटी है। सोचो
जिनका हर बात झूठी हो और झूठे वादे किए हों जिन्होंने, और समय समय पर जनता को गुमराह करने के लिए बहुत सी संस्थाओं का सहारा लेना पड़ा हो, ये अमेरिका की नकल कर रहे हैं। नेशन फर्स्ट, ये अमेरिका का नारा है। हमारे मुख्यमंत्री जी कभी अमेरिका नहीं गए। अरे हमारे मुख्यमंत्री जी जो एटा में जो बिजली घर बना है उसका नाम नहीं ले पा रहे हैं, वो नेशन फर्स्ट क्या लाएंगे? 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, मैनपुरी खत्म होते ही एटा में शुरू हो जाता है कारखाना। अगर वो लग गया होता तो आज गरीब को किसान को बिजली मुफ्त मिल रही होती, सस्ती मिल रही होती। बताओ बिजली का महंगा हो गया बिल। और नेशन फर्स्ट का नारा देने वाले, हमें खुशी है इस बात की समाजवादियों को। और मुझे याद है जिस समय मैं लैपटॉप बांटने जा रहा था, नेताजी से लेकर के समाजवादी पार्टी के लोग इस पक्ष में थे कि गरीब परिवारों को भी लैपटॉप मिले। समाजवादियों ने जो लैपटॉप बांटा था, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप गूगल कर लेना, अमरीका के बहुत सारे सिटीज में, उनके स्टेट में आज लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। आज अमेरिका के कई स्टेट्स में, कई डिस्ट्रिक्ट में, सिटीज में लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और लैपटॉप इसलिए बांटा जा रहा है कि वहाँ के गरीब बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी बिल गेट्स आए थे और प्रधानमंत्री जी का उनसे मुलाकात हुई तो डिजिटल डिवाइड पर बात कर रहे थे। याद कीजिए, डिजिटल डिवाइड पर बात हुई थी। और अभी बहुत से उद्योगपति और आ रहे हैं, वो भी डिजिटल डिवाइड पे बात करेंगे। अगर डिजिटल डिवाइड पर किसी ने काम किया तो समाजवादियों ने किया। ये नेशन फर्स्ट वाले केवल सड़कों से जानवर हटा दें बस, इनकी प्रायोरिटी हो कि सड़क पे जानवर न दिखाई दे। मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। ये नौजवान जुझारू काम करना चाहते थे, अपने समाज को जगा करके अपने साथ वोट ला करके लड़ना चाहते थे, लेकिन देखिए आप, बीजेपी का फोन आया होगा, बसपा ने टिकट बदल दी। प्रसाद यादव को टिकट मिल गई, वो बीजेपी के फोन से बसपा ने टिकट बदली है। कन्नौज से अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, बहुत जल्दी घोषित हो जाएगा। सर कल केशव जी आई थी, केशव प्रसाद जी आई थी, मैंने 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 कार्यक्रम नहीं देखा, लेकिन मैंने उस कार्यक्रम की तस्वीरें देखी हैं। वो तस्वीरें बताती हैं कि मंच तो थोड़ा बहुत थे लोग, लेकिन कुर्सियां सब खाली थी।